अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का आखिर मकदम है। शाहरुख खान की फिल्म पठान को लेकर फिर से बैकआउट गैंग सरगर्म हो चुकी है। अब कुछ लोगों का धंधा ये रह गया कि छोटी सी बात को भगवा रंग हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की तरफ मोड़कर माहौल को तनाजे में तब्दील किया जाए। अब खामखा शाहरुख खान दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान का गाना बेशर्म रंग को लेकर मुल्की सतह पर एहतजाज की तैयारियों में चड्डी गैंग उतरती नजर आ रही है। इनका कहना यह है कि भगवा रंग को बेशर्म रंग कहते हुए बिकनी में दर्शाया गया, जिससे हिंदुओं के जज्बात मजरूह हो चुके हैं। लिहाजा इसी दरमियान पठान के टीजर ने रिकॉर्ड बनाते हुए सबसे ज्यादा लोग देखने में अव्वल नंबर भी हासिल किया हुआ है। अगर सही में देखा जाए तो फिल्म के अदाकार का इसमें कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि वो अपने पैसे पहले ही ले चुका होता है। किसी फिल्म को बनाने में यहाँ तक के कपड़े कौन से पहने जाए या फिल्म को कैसे दर्शाया जाए, डायलॉग स्क्रिप्ट हर बात के लिए डायरेक्टर प्रोड्यूसर जिम्मेदार होते हैं। लेकिन भारत में हिंदू मुस्लिम मामला इतना बढ़ चुका है कि अब इससे फिल्म इंडस्ट्री भी अछूती नहीं रही। और अब तो मुकाबला लगा हुआ है कि पठान फिल्म के खिलाफ कौन कितना बोलता है। लिहाजा पठान वैसे नाम भी मुस्लिम है, इसकी कहानी क्या है इसका तो हमें इल्म नहीं है, लेकिन इस फिल्म को बनाने वाले डायरेक्टर प्रोड्यूसर म्यूजिक डायरेक्टर सभी हिंदू हैं। फिल्म यशराज बैनर में बनी है, इसके निर्माता आदित्य चोपड़ा है, निर्देशक सिद्धांत आनंद है, संगीतकार विशाल शेखर है। खैर, जब से मोदी हुकूमत इख्तदार पजीर हुई है तब से फिल्म इंडस्ट्री में भी धर्म की राजनीति दाखिल हो चुकी है। अगर सही कहा जाए तो फिल्मी सितारों का धर्म से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन जब से हिंदुत्व ब्रिगेड का बढ़ता दायरा और हिंदू राष्ट्र की बढ़ती मांग, फिरका परस्त ताकतों का तकरीबन मोहकमाओं में बढ़ता तसल्लुत का असर फिल्म इंडस्ट्री में भी देखा जा रहा है। एक जमाने से फिल्म इंडस्ट्री इन तमाम धर्म मजहबी मामलों से दूर ही रही, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री को लोगों ने सिर्फ मनोरंजन का जरिया माना। यकीनन मनोरंजन के साथ साथ फिल्में समाज की तस्वीर को भी सामने रखने की कोशिश करती रही। इस पर भी तबसरा किया जाए तो तवील तारीख निकल सकती है, अब उतना वक्त तो नहीं है। लिहाजा अब बात 2014 से बदलती फिल्मी दुनिया की तस्वीर पर डालते हैं। और अगर पीछे कुछ सालों का जायजा लेंगे तो पीके, जिसमें अदाकारी आमिर खान ने की थी, और इस फिल्म में भी हिंदू मजहब की तौहीन और मजाक बनाने की बात कही गई थी। तमाम फिल्मों के नाम लेना जरूरी नहीं समझता, क्योंकि फिल्मों पर तबसरा दरअसल यह हमारा मौजू है भी नहीं और इस पर तबसरा मुनासिब भी नहीं समझते। पर जब इसे समाज माशरे और एक मखसूस मजहब को जोड़कर नफरती माहौल बनाने की साजिश होने लगती है तो बात जरूरी भी हो जाती है। कश्मीर फाइल्स ने तो आग में घी डालने का काम किया था और ये एक मुनज्जम तरीके से अंजाम दिया गया था। नफरती एजेंडा था और आपने देखा होगा कि कैसे थिएटरों में मुसलमानों के खिलाफ नफरती गिरोह सरगर्म होकर बयानबाजी, नारेबाजी और हंगामा कर रहे थे। हमने पिछली मरतबा भी इस मौजू पर बात करते हुए बताया था कि इसराइल के नदाव लिपिड जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा था कि कश्मीर फाइल्स वल्गर और एक प्रोपोगंडा फिल्म थी। खैर, इसके बाद उन्होंने अपने बयान को बदलने की भी बात कही जाती रही है। खैर, इससे चड्डी गैंग को भी शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी होगी, ऐसा आवाम का कहना है। लिहाजा कई सारे फिल्म अभिनेता डायरेक्टर भी धीरे धीरे मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों की तारीख, मुगलों से नफरत, यहाँ तक के टीपू सुल्तान पर भी जहर उगलने लगे, ताकि भाजपा और मोदी हुकूमत में इन्हें भी कुछ हासिल हो जाए। ऐसा एक दौर भी आता है कि जब हवा जब चलती है तो सभी उस तरफ रुख करने लगते हैं। अब जब पठान पर इतना हंगामा बरपा करने की कोशिश जारी है तो इस फिल्म की अदाकारा दीपिका पादुकोण को भी निशाने पर लेने की वजह भगवा रंग तो बहाना है ही, इसके पीछे की वजह यह है कि शाहीन बाग एहतजाज के वक्त जेएनयू के एहतजाज में ये शरीक हुई थी। और ये कहने से अब भाजपा या संघी पीछे भी नहीं हट रहे, उन्होंने कहा है कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग के एक सदस्य है। शाहरुख खान, इसके पहले आमिर खान और सैफ अली खान, इनके नाम तो आपको मुसलमान नजर आएंगे, लेकिन इन खानों से या मुस्लिम नाम वाले अदाकार या अदाकारों से मुसलमानों को या इस्लाम से कोई लेना देना नहीं रहता, और ना ही मुस्लिम समाज में इनका कुछ रोल या किरदार रहता है। हाँ, इतना जरूर है कि अगर कोई सना खान जैसे अदाकार तमाम गुनाहों से तौबा कर ले तो फिर मामला अल्लाह और बंदे के दरमियान का हो जाता है। खैर, अब बात भगवा लिबास की करेंगे। इससे पहले आपने देखा होगा और खासकर पुरानी फिल्मों में भी किरदार साधु का निभाने वाले भगवा लिबास पहनकर धोखा देते हुए कई फिल्मों में दिखाया गया। इसी तरह फिल्मी गीत भगवा कपड़े पहनकर दर्शाए गए। हाल ही का जिक्र किया जाए तो अपने आप को बड़े देशभक्त समझने वाले और हकीकत में कनाडा की शहरियत अख्तियार करने वाले अक्षय कुमार का ना सिर्फ भगवा लिबास बल्कि उस पर तो भगवान का नाम भी लिखा हुआ था। उस वक्त कहां गए थे तमाम भगवादारी, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। गीत
जिन्हें अब आपत्ति हो रही है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि भगवा कपड़े पहने स्मृति ईरानी भी मिस इंडिया का खिताब हासिल करते हुए, और सबसे अहम बात यह है कि शाहरुख खान को लेकर एहतजाज करने की बजाय निर्माता निर्देशक को पकड़ा जाए। इन्होंने तो रुपये देकर इस तरह करने के लिए कहा गया था। इसका मतलब यह हुआ कि जानबूझकर इसे हिंदू मुस्लिम करते हुए नफरती माहौल को बनाया जाए ताकि कोई भी शोभा न छूटे, क्योंकि फिल्म देखने वाले भारत में अक्सर हिंदू ही होंगे, क्योंकि मुसलमानों की तादाद भी 80% भारत में, लिहाजा हर शोभे में हिंदू मुस्लिम कार्ड खेला जाए ताकि नफरती फिजा किसी न किसी बहाने परवान चढ़ती रहे। मध्य प्रदेश के वजीर नरोत्तम मिश्रा ने फिल्म रिलीज पर ही सवाल उठाए। इसी तरह मुख्तलिफ हिंदू तंजीमों के मुखिया बायकॉट की मुहिम पर लगे हुए हैं। अयोध्या के कुछ साधुओं ने तो इस पर बहिष्कार करने को कहा। इनका कहना है कि भगवा लिबास योगी हुकूमत की पहचान है, यहाँ तक कि पठान फिल्म के थिएटरों को फूंकने का यानी कि जलाने का भी ऐलान किया जा रहा है। एमपी यूपी के बाद महाराष्ट्र में भी पाबंदी की मांग उठने लगी है। रमा कदम ने कहा कि महाराष्ट्र में हिंदुत्व सोच और फिक्र की हुकूमत है, लिहाजा सनातन तहजीब की इस तरह तोहीन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर मान लो कि इस फिल्म के इन तमाम सीन को काट भी दिया जाए तो ये चड्डी गैंग या नफरती गैंग खामोश रहने वाले, क्योंकि ये तो बहाने तलाशते रहते हैं। खुलेआम थिएटरों को जलाने की भी धमकी हिंदुत्व लीडरों तंजीमों साधुओं की जानिब से दी जा रही है। धीरे धीरे कुछ पुराने सिक्के जिनका फिल्मी दुनिया में करियर खत्म होने को आया है, ऐसे लोग अब पठान की मुखालिफत में आकर सुर्खियां बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे अनुपम खेर, मुकेश खन्ना, कंगना रानावत, मनोज मुंतशिर और भी नफरती गिरोह की अब फहरिस्त तवील होते ही जा रही है। खैर इतना तो जरूर है कि महज हिंदू मुस्लिम नफरती खेल खेलने के लिए पठान का हवा खड़ा किया गया है। वाज़ह रहे कि पिछले 3 दशकों से यानी कि 30 साल से भी जायद अरसा गुजर गया, आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, सैफ अली खान का फिल्म इंडस्ट्री पर कब्जा रहा है। इन पर लव जिहाद का भी इल्जाम लगाया जाता है क्योंकि तीनों खानों की बीवियां हिंदू हैं। यह अलग बात है कि यहाँ किसी तरह उसूल या तहजीब जाब्ते नहीं हुआ करते, पर अब जब हिंदू मुस्लिम तमाशा भारत में चल ही रहा है तो इस शोबे को भी मुतासिर किया जा रहा है, और कुछ हद तक ही सही कामयाब तो जरूर हुए हैं। ये बात उतनी ही सच है कि शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान को महज मुस्लिम नामों के बिना पर निशाना बनाया जा रहा है, पर इन्हें इस्लाम मुसलमानियत से कोई खास ताल्लुक नहीं रहता। अगर हज या उमरा को ये जाते भी है तो सिर्फ तफरी ही कह सकते हैं, क्योंकि हाल ही में उमरा से वापसी के बाद शाहरुख खान वैष्णो देवी मंदिर भी दर्शन के लिए पहुंचे थे। मतलब इनका कोई खास मजहब नहीं होता, रुपये, दौलत, शोहरत, अय्याशी ही इनका मजहब होता है। बहुत कम लोग हुए हैं जिन्हें तौबा की तौफीक हुई और फिर पलटकर फिल्मी दुनिया की हुरियानियत में दाखिल नहीं हुए। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान नाम से तो मुसलमान है, लेकिन हिंदू मजहब के तमाम त्योहारों को बड़े ही जोर शोर से मनाते हैं और बड़ी बड़ी दावतें भी होती हैं, लेकिन इन तमाम चीजों का शायद मौजूदा दौर के हिंदुत्व तंजीमों के लिए कुछ मायने शायद नहीं रखते। इन्हें निशाना बनाया जाएगा क्योंकि इनके नाम मुसलमान है, इतना जरूर है। अहम खबरों पर एक नजर। अभी ऊपर हमने मौजू में फिल्मी सितारों को भी अब हिंदू मुस्लिम नफरती गिरोह निशाने पर कैसे ला रहे इस पर तस्करा किया। पठान फिल्म मुल्क की सतह पर जेर बहस है, खासकर कर्नाटक के चुनाव नजदीक है तो यहाँ और भी तेजी से नफरत फैलाने का काम नफरती गिरोह अंजाम दे रहे। तालीमी मैदान में तो आए दिन इस तरह की वारदातें पेश आ रही है। आज इसी तरह की वारदात एक और पेश आई। आज दक्षिण कन्नड़ के विट्ठल पीयू कॉलेज में हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से मोहब्बत करने की बात कही जा रही थी, जिसे लव जिहाद कहते हुए दो गिरोह आपस में टकराए, झड़प भी हुई। मामला बेकाबू होता देखकर कॉलेज मोहकमा ने दखल देते हुए 18 कॉलेज तलबाओं को ही कॉलेज से निकाल दिया। कॉलेज के प्रिंसिपल आदर्श राय ने मामला काबू में होने की बात कही। वैसे बेलगाम शहर कन्नड़ मराठी तनाजे का शिकार रहता है, लेकिन कुछ छूटी खबरें भी इसी दरमियान फैलाई जा रही है, ऐसा कहा गया। पिछले हफ्ते बोलेरो जीप पर किसी ने पथराव करने की खबर को शाया किया था, जिसकी तहकीक और तफ्तीश के बाद मालूम हुआ कि यह खबर झूठी थी। इत्तला के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज के जरिए इस खबर की पड़ताल की गई तो मालूम हुआ कि शिगांव तालुका के तड़स गांव के करीब ढाबे पर खाना खाने के लिए बोलेरो रुकी थी, जहां से लोहे की सलाखों से लदी ट्रक गुजर रही थी और इसी में कार का शीशा टूट गया। इंतजामिया ने ऐलान किया है कि किसी भी झूठी खबर को न फैलाया जाए। बेलगाम जिले में डकैती, चोरी, चेन स्नेचिंग जैसे कई वारदातें पेश आई, लेकिन पुलिस महकमा ने पिछले साल से अब तक 17 करोड़ रुपए चोरों को गिरफ्तार कर बरामद किए हैं, जिसके बारे में बेलगाम पुलिस महकमा के खदमात को सराहा जा रहा है। आज प्रॉपर्टी रिटर्न परेड का एहतमाम किया गया था। आईजीपी सतीश कुमार ने बताया कि कुल 301 मामलों की तहकीक मुकम्मल कर 324 मुजरिमों को गिरफ्तार किया गया।
17 करोड़ रुपए बरामद किए गए, 60 लाख के मोबाइल भी जब्त किए गए, 8 किलो सोना भी मुजरिमों से जमा किया गया। चोरी की फरियाद के मद्देनजर आज डीआर मैदान में मालिकों को चोरी हुए जेवरात, कैश, मोटरसाइकिल और दिगर चीजें लौटाई गई। इसके लिए बेलगाम पुलिस यकीनन मुबारकबाद के काबिल है, ऐसा अवाम में कहा जा रहा है। आज फिर सड़क हादसे में भाग्यनगर के प्रदीप शिंदे उम्र 12 साल के लड़के को टिप्पर की ठोकर की वजह से सड़क पर ही मौत हो गई। स्कूल से साइकिल चलाते घर की तरफ जा रहा था, पीछे से टिप्पर की ठोकर ने 12 साल के प्रदीप शिंदे की मौत हो गई। हादसा भाग्यनगर अनुगुल रोड पर पेश आया। मौजूदा दौर के मद्देनजर बच्चों में दीनी रुझान लाना बहुत जरूरी है। अज़का मोहम्मद जुनैद पीरजादे ने पूरा कुरान मुकम्मल किया है। बच्ची में 6 साल की है और अज़का की इस कुरान के मुकम्मल करने पर तमाम लोग उसे मुबारकबाद भी पेश कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।